हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं सृष्टि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे। बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ टॉप 5 कॉलेज ऑफ BCA फ्रॉम डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। मतलब आपके एजुकेशन के लिए BCA के कौन से ऐसे डिस्टेंस कॉलेज हैं या आपके एजुकेशन BCA के लिए, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देख लेते हैं आज क्या है। BCA यानी कि आप सभी जानते हैं BCA का फुल फॉर्म आपका होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बहुत से लोग इसको बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, बहुत से लोग इसको बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो प्लीज आप लोग इस चैनल से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं टॉप 5 कॉलेज ऐसे कौन से हैं जहाँ पर हम अपने एजुकेशन इंडिया में एडमिशन दे सकते हैं, BCA को पूरा कम्प्लीट बना सकते। तो फर्स्ट नंबर पे दोस्तों आपका आ जाता है तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें हम देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम टाइम क्या होना चाहिए, फीस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मीडियम क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम जानेंगे यहाँ पे। तो तमिलनाडु जो आपका ओपन यूनिवर्सिटी है दोस्तों, इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है आपकी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपकी होती है, मिनिमम आपको 12th क्वालिफाई होना चाहिए। आप अगर 12th क्वालिफाई है उसके बाद से आपका जो मिनिमम टाइम फॉर कोर्स यानी कि आपका जो कोर्स कंप्लीट करने का ड्यूरेशन होगा वो आपका दोस्तों 8 ईयर, यानी 8 ईयर में आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे पर सेमेस्टर आपकी जो फीस होती है आपकी टोटल आपकी होती है 8,400 रुपए, ठीक है, यानी आपके टोटल 8,400 रुपए आपकी पर सेमेस्टर फीस होगी यहाँ पर तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी के लिए। इसके जो एग्जाम के मीडियम होते हैं वो दोस्तों आपकी होगी इंग्लिश मीडियम। आप इंग्लिश मीडियम में आपका एग्जाम होगा, आप इंग्लिश मीडियम में अपना एग्जाम दे सकते हैं इस यानी तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी में। आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है क्राइटेरिया वो आपकी मिनिमम 12th क्वालिफाई होती है, देन मिनिमम टाइम फॉर कोर्सेस कंप्लीशन आपका 8 ईयर में हो जाएगा, देन फ्री स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा टोटल 8,400 रुपए आपकी यहाँ पे लगेगी, यानी 8,400 आपका लग जाएगा यहाँ पे। फिर आपकी मीडियम जो होंगे वो आपका इंग्लिश होगा दोस्तों। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं सेकंड नंबर पे हमारी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हम अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपका दोस्तों आ जाता है सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, जो की आपकी जो इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका वो आपका 10+2 इक्विवेलेंट, इसके यानी 10+2 के साथ साथ आपका और 3 इयर्स का कोई डिप्लोमा का कोर्स अगर आप किए हैं वो भी आप कर सकते हैं। आपका जो इसका ड्यूरेशन होता है दोस्तों वो आपका 3 इयर्स का होता है, 3 साल का आपका ड्यूरेशन होना चाहिए अगर आप सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। आपकी जो इसकी फीस स्ट्रक्चर होगी पर सेमेस्टर यानी एक सेमेस्टर में जो आपकी फीस होगी वो आपकी होगी 16,250, ठीक है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ये आपकी पर फीस की पर सेमेस्टर की आपकी फीस होगी, आप इसको पे करके अपने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन को ले सकते हैं BCA के लिए, बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। फिर आपका देख लेते हैं दोस्तों कि थर्ड नंबर पे क्या होता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, तो प्लीज दोस्तों आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेगा, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि जो भी रिलेटेड आपके BCA के क्वेश्चन हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हो, आप वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास फटाफट पहुंच सके, ठीक है। तो हम तीसरे नंबर पे देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है आपका, ये आपकी न्यू दिल्ली में है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि आपकी न्यू दिल्ली में है, इसकी जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका वो आपका है मिनिमम हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आपका मिनिमम जो है वो हायर, यानी कि आप अगर 10+2 भी किए हैं यानी कि 12th के बाद भी आप कर सकते हैं, और इससे ज्यादा भी अगर आप कोई नॉलेज है आपका तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद से आपका मिनिमम टाइम फॉर कोर्सेज कंप्लीट, अगर आपके जो कंप्लीट करने का इस यूनिवर्सिटी में आपका मिनिमम टाइम जो होना चाहिए वो आपका 6 ईयर, यानी 6 साल में ये आपके कंप्लीट करा देगी BCA की कंप्लीट क्लासेस। पर सेमेस्टर आपकी जो फीस लगती है इस इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पर सब्जेक्ट, यानी एक सेमेस्टर में आपकी जो फीस लगेगी वो आपकी दोस्तों 5,000 लगेगी, ओके। आपके जो मीडियम होंगे इसके मीडियम जो होगा एग्जाम का मोड जो होगा वो इंग्लिश में। वैसे ज्यादातर जितने भी यूनिवर्सिटीज होती हैं सारे के सारे यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम होते हैं दोस्तों वो आपके होते हैं इंग्लिश मीडियम में ही एग्जाम होते हैं, ओके। तो समझ में आ रही होंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अपना 100% दे करके आपको जो भी सारी चीजें वो सारी की सारी चीजें बताए। हाँ, लेकिन अगर आपको कहीं भी लग जाता है कि नहीं मुझे यहाँ पे ये चीजें नहीं समझ में आई यहाँ पर, तो दोस्तों आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखेंगे अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होते हैं तो आप आराम से जा करके डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर है वहां पे हमें कॉल करके सारे के सारे क्वेश्चंस अपने क्लियर कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट
आपने मेरा कमेंट किया, मैंने कमेंट किया, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आप पर आपसे भी कॉल करेगा हम एंड हमारी टीम आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज देगी। इसके बाद से हम देख लेते हैं कि फोर्थ नंबर पर क्या है दोस्तों। तो फोर्थ नंबर पे आपका आ जाता है कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इसका आपका 10+2 इक्विवेलेंट, यानी 10+2 के साथ साथ और 3 इयर्स डिप्लोमा इसके साथ भी आपके, यानी 10+2 तो आपका हुआ ही है, इसके साथ आपको कोई 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स भी होना चाहिए, जिसके रिगार्डिंग आप कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में अपनी बीसीए की एडमिशन को ले सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों वो आपका 3 साल का होता है। उसके बाद से जो फ्री आपकी जो फीस लगती है पर सेमेस्टर, यहाँ पे आपकी फीस पर सेमेस्टर लग जाएगी दोस्तों आपकी 8,000, यानी एक सेमेस्टर में आपको 8,000 देना पड़ेगा। फिर ऐसे ही आपका करते करते आपके जो भी आपके, यानी 3 साल का ड्यूरेशन, तो 3 साल में जो भी आपकी फीस लगेगी, यानी पर सेमेस्टर आपको ये फीस पे करनी होगी। और बाकी अगर आपको और भी जो सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तो जब आप यहाँ पर जाकर के अपने एडमिशन लेंगे तो आपको वो सारी चीज, मैं आपको एक छोटी सी बस आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हाँ, आपकी इतनी ओपन यूनिवर्सिटीज होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने एडमिशन ले सकते हैं, ये सब आपके बेसिक नॉलेज के लिए है कि हाँ ये सारे इतने फीस लगते हैं, इतनी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, आपका इतना ड्यूरेशन का ये होता है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी, तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने शेयर करेगा, अपने दोस्तों को, अगर वो भी बीसीए कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। ओके, चलिए देख लेते हैं फिफ्थ नंबर पे आपका है। तो फिफ्थ नंबर पे दोस्तों आपका आ जाता है, फिफ्थ नंबर पे आपका दोस्तों आ जाता है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ठीक है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है आपका, उसकी जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो आपके 10+2 और एन इक्विवेलेंट एग्जाम, ठीक है। इसका ड्यूरेशन दोस्तों 3 इयर्स का इसका आपका ड्यूरेशन होता है, अगर आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो इसमें आपकी ये सारी चीजें। इसका पर सेमेस्टर फीस की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे पर सेमेस्टर फीस आपकी लग जाएगी 9,000 रुपए, आपको 9,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको पेमेंट करना होगा, देन आप यहाँ पे अपने एडमिशन को लेकर के यहाँ पे अच्छी खासी अपनी बीसी की तैयारी को कर सकते हैं। तो ये मैंने छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दी, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो पसंद आ गया है, तो प्लीज आप इस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपको अगर इस रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपके वो सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेगा ताकि सबको इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट्स अगर बीसीए की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल इस परिवार से जुड़े, यहाँ पे उनको बहुत सारी पीसीए से रिलेटेड एंड कंप्यूटर के जो भी कोर्सेज हो, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।